एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। हमारे घर में किसी भी शिशु को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई तो अब भविष्य में सरकार की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की अटकलें लगने लगी है। इन अटकलों को शुक्रवार को और बल मिला जब जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुके बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पीएमओ में लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन भी दे दिया। अश्विनी उपाध्याय ने प्रेजेंटेशन में कहा कि अटल बिहारी सरकार की ओर से 2000 में गठित वेंकटचलिया आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की सिफारिश की थी, मगर 2004 में चुनाव में हार के चलते एनडीए सरकार के बाहर होने से यह कानून नहीं बन सका। चूंकि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट गृह मंत्रालय से जवाब मांग चुका और इन पर 3 सितंबर को सुनवाई है। उपाध्याय ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या मानवाधिकार का उल्लंघन भी नहीं करता है। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी समर्थन किया है। मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने प्रधानमंत्री मोदी के बातों का समर्थन करते हुए कहा कि ये फैसला अच्छा है और इससे शिक्षा भी बढ़ेगी और लोगों का विकास भी होगा। पॉपुलेशन वाले वाली बात कही है वो बहुत कीमती और बहुत अहम बात है और हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे मुल्क में एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंशाल्लाह पॉपुलेशन पर रोक लगाया जा सकेगा। अगर आप केरला में देख लें जहाँ की 100% लिटरेसी रेट है तो वहाँ तमाम कौमों का जो पॉपुलेशन साइज है, जो फैमिली साइज है वो कम है। तो जैसे जैसे एजुकेशन के सेक्टर में तरक्की होगी वैसे वैसे जो फैमिली साइज हैं वो कम होंगे। लिहाजा हम सबको मिल करके मुल्क में एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने की जरूरत है। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या करीब 1.36 अरब और चीन की 1.42 अरब है। एक रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि 2050 तक भारत 161 करोड़ का आंकड़ा पार करके टॉप पर पहुंच जाएगा। जनसंख्या विस्फोट के कगार तक पहुंच चुकी भारत की जनसंख्या पिछले 100 वर्षों में 5 गुना बढ़ी है और 2050 तक वो चीन को भी पीछे छोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।